स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के एक क्रांतिकारी संत हुए। कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को जन्मे युवा सन्यासी के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। उन्होंने बचपन में परमात्मा को जानने की जिज्ञासा व्यक्त करना शुरू किया। फलस्वरूप सन 1881 में पहली बार उनके रामकृष्ण परमहंस से भेंट हुई और उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। इसके बाद वे अध्यात्म यात्रा पर चल पड़े। काली माँ के अनन्य भक्त स्वामी विवेकानंद ने आगे चलकर अद्वैत वेदांत के आधार पर सारे जगत को आत्मरूप बताया और कहा कि आत्मा को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। सारे जगत का जन्म उसी से होता है, फिर वह उसी में विलीन हो जाता है। उन्होंने धर्म को मनुष्य, समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए स्वीकार किया और कहा कि धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। सच्चे भारतीय संत की मर्यादा के अनुरूप स्वामी विवेकानंद ने अशिक्षा, अज्ञान, गरीबी तथा भूख से लड़ने के लिए अपने समाज को तैयार किया तो राष्ट्रीय चेतना जगाने, सांप्रदायिकता मिटाने, मानवतावादी संवेदनशील समाज बनाने वाले एक आध्यात्मिक नायक की भूमिका निभाते हुए 4 जुलाई 1902 में कुल 39 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग किया। उन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया। यह तारीख बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इस मायने में कि 11 सितंबर 1893 को विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद को संबोधित किया। 11 सितंबर को ही भूदान के प्रणेता विनोबा भावे जी का जन्म हुआ और हम यह पाते हैं कि शिकागो अमेरिका में 11 सितंबर को ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर सबसे बड़ा हमला हुआ। तो एक तरफ अहिंसा के दो पुजारी और दूसरी तरफ एक हिंसा का तांडव रचने वाले कुछ लोग जिन्होंने पूरे विश्व को अपने हमले से थर्रा दिया था, इन दोनों के बीच में यह तारीख उस समय महत्वपूर्ण हो जाती है जहां से विवेकानंद ने यह घोषणा की कि सारे धर्म एक ही हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं है। यद्यपि जाने के मार्ग अलग हो सकते हैं लेकिन वह अंतिम तत्व एक ही है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आत्मा से पृथक करके जब व्यक्ति या वस्तु से प्रेम करते हैं तो उसका फल शोक या दुख में होता है। 18 नवंबर 1896 को लंदन में अपने एक व्याख्यान में उन्होंने कहा, मनुष्य जितना स्वार्थी होता है उतना ही अनैतिक भी होता है। युवाओं के लिए उनका कहना था कि पहले अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट करो, मैदान में जाकर खेलो, कसरत करो, ताकि स्वस्थ शरीर में धर्म अध्यात्म ग्रंथों में बताए आदर्शों के अनुसार आचरण कर सको। आज जरूरत है ताकत और आत्मविश्वास की। जब अमेरिका के शिकागो शहर में स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद को संबोधित करना शुरू किया तो उन्होंने पहला वाक्य कहा था, अमेरिकावासी बहनों तथा भाइयों। इस शब्द को सुन करके सारा हाल तालियों से गूंज उठा और सभी ने खड़े होकर करतल ध्वनि से स्वामी विवेकानंद के इस संबोधन का स्वागत किया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद से पहले किसी ने कभी भी अमेरिका में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जैसे शब्द का उच्चारण नहीं किया था, क्योंकि वहां लेडीज एंड जेंटलमैन कहने की परंपरा है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहने की नहीं। स्वामी विवेकानंद ने जब अपना भाषण शुरू किया तो वह अपने आप में बहुत अनूठा है। उन्होंने अपना परिचय जिस शैली में दिया वह जानने योग्य है कि भारत कितना गौरवमय, कितना धर्मप्राण और कितना प्राचीन परंपरा का निर्वाह करने वाला देश है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ और सभी संप्रदाय एवं मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से धन्यवाद देता हूँ। अब इस वाक्य में ही बड़ी महानता छिपी हुई है। स्वामी विवेकानंद ने यह नहीं कहा कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है या मैं हिंदू धर्म का अनुयायी हूँ, बल्कि उन्होंने यह कहकर के सबको अभिभूत कर दिया, सब धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ। इसका तात्पर्य यह हो जाता है कि भारत हजारों वर्षों से सनातन परंपरा का अनुयायी है जिसकी ओर से मैं सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आगे वे कहते हैं
कि मैं इस मंच से बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको यह बतलाया कि सुदूर देशों के ये लोग सहनशीलता का भाव विविध देशों में प्रसारित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों को तथा देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मुझे आपको यह बतलाते हुए गर्व होता है कि हमने अपने वक्ष में यहूदियों के विशुद्धतम अवशिष्ट अंश को स्थान दिया जिन्होंने दक्षिण भारत आकर उसी वर्ष शरण ली थी जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया था। ऐसे धर्म का अनुयायी होने में मैं गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने महान जरथुष्ट जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी और जिसका पालन वह अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक स्त्रोत्र की कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ जिसकी आवृत्ति मैं अपने बचपन से कर रहा हूँ और जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते हैं। रुचि नाम वैचित्र ध्रज कुटिल नाना पथ जुषाम नृणामेको गम्य स्वमसी पैसा मर्णव इव। जैसे विभिन्न नदियाँ भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं उसी प्रकार हे प्रभो भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझमें ही आकर मिल जाते हैं। इतनी महत्वपूर्ण बात विवेकानंद जी ने अपने भाषण में रेखांकित की। यह भारत का सौभाग्य है कि यहाँ कुल दुनिया के 8 धर्म मौजूद हैं जो सब आपस में मिलजुल करके रहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने इस बात को वहाँ रेखांकित किया कि जब दूसरे धर्म के लोग एक दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, उनके मंदिरों को तहस नहस कर रहे थे, तब भारत में आकर के उन लोगों ने शरण ली जो आज तक इस भारत भूमि में निवास कर रहे हैं, ऐसे धर्म का गौरव होने में अभिमान महसूस करते हैं स्वामी विवेकानंद जी। विवेकानंद जी कहते हैं कि यह सभा जो अभी तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक है, स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन एवं जगत के प्रति उसकी घोषणा है। श्लोक इस प्रकार है, ये यथा माम प्रबद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो कोई मेरी ओर आता है चाहे किसी प्रकार से हो मैं उसको प्राप्त होता हूँ। लोग भिन्न भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ही ओर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण की यह उद्घोषणा वास्तव में अक्षरशः सत्य है। यदि किसी को किसी एक स्थान पर जाना है उस स्थान पर जाने के लिए अनेकानेक मार्ग हो सकते हैं लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही है। अब यदि कोई यह कहता है कि मेरा ही मार्ग सच्चा है तुम्हारा मार्ग गलत है, वहाँ से झगड़ा शुरू हो जाता है और फिर धर्मों की आपसी टकराहट कभी कभी द्वेष में परिवर्तित हो जाती है और दो देशों में दो धर्मों में दो समाजों में दो संप्रदायों में टकराव का कारण बन जाती है। यदि सभी लोग एक दूसरे के धर्म को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं और मान के चलते हैं कि यह पंथ अलग अलग हो सकते हैं रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सबकी मंजिल एक है तो विश्व शांति और सद्भाव कायम होने में जरा भी देर नहीं लगेगी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो उनके भाषण का ये मुख्य अंश है उन्होंने इस बात को वहाँ रेखांकित किया कि आखिर दुनिया में झगड़े किस बात से हैं, किस कारण से हैं, जबकि मनुष्य ने आदिम सभ्यता से लगाकर आज तक कितनी प्रगति की है। उस प्रगति में यदि कोई दोष है उसकी ओर विवेकानंद इशारा करते हुए कहते हैं कि सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और उसके विवत्स वंशधर धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज कर चुकी है। यह पृथ्वी को हिंसा से भरती रही है, उसको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही है, सभ्यताओं को विध्वस्त और पूरे पूरे देश को निराशा के गर्त में डालती रही है। यदि यह विवत्स दानवी न होती तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता, पर अब उसका समय आ गया है और मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूँ कि आज सुबह इस सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है वह समस्त धर्मांधता का तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले
उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारंपरिक कटुताओं का मृत्यु निनाद सिद्ध हो। अब स्वामी विवेकानंद ने यह बात 1893 में कही। हम यह जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने बहुत आशावादी दृष्टिकोण रख करके यह बात कही थी। उसके बाद हम पाते हैं प्रथम विश्व युद्ध से पूरी दुनिया झुलसी, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जिसमें हिरोशिमा नागासाकी जैसे शहरों पर परमाणु बम गिराए गए, और उसके बाद भी हम देखते हैं पिछले 50 सालों में दुनिया ने अनेकानेक युद्ध झेले हैं, लेकिन यह हिंसा रूपी दानवी इस जगत से जाने का नाम नहीं ले रही है। स्वामी विवेकानंद ने उस धर्म संसद में यह घोषणा की थी कि आज सुबह इस सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है वह इस हिंसा रूपी दानवी का मृत्यु निनाद सिद्ध होना चाहिए। विवेकानंद वास्तव में सच्चे धर्म के अनुयायी होकर वहाँ बोल रहे थे। हिंदू का मतलब ही उन्होंने निकाला था, हिंसया दुह्यते चिंतम तेन हिंदू हु, जिसका मन हिंसा मात्र से दुखी होता है उसे हिंदू के नाम से जाना जाए। यह व्याख्या विवेकानंद के इस व्याख्यान पर अक्षरशः सिद्ध होती है, चरितार्थ होती है, जिसमें उन्होंने दुनिया में फैले हुए झगड़े का मूल कारण हठधर्मिता, सांप्रदायिकता और धर्मांधता को बताया, और उन्होंने यह भी कहा कि यदि यह चीज नहीं होती तो यह धरती स्वर्ग से भी सुंदर हो गई होती, क्योंकि मनुष्य ने यदि सागर की अतल गहराइयों को खोजा है तो आकाश में जाकर के उसने खगोलीय उपलब्धियां भी हासिल की है। ऐसे में यदि यह हिंसा इस पृथ्वी पर कायम रहती है तो दुनिया के सामने हमेशा खतरा बना रहेगा। आगे उन्होंने 27 सितंबर 1893 को दूसरा भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि विश्व धर्म महासभा एक मूर्तिमान तथ्य सिद्ध हो गई है और दयामय प्रभु ने उन लोगों की सहायता की है तथा उनके परम निस्वार्थ श्रम को सफलता से विभूषित किया है जिन्होंने इसका आयोजन किया। उन महानुभावों को मेरा धन्यवाद है जिनके विशाल हृदय तथा सत्य के प्रति अनुराग ने पहले इस अद्भुत स्वप्न को देखा और फिर उसे कार्य रूप में परिणत किया। उन उदार भावों को मेरा धन्यवाद जिसने यह सभा मंच आप्लावित हो रहा है। इस प्रबुद्ध श्रोत्र मंडली का धन्यवाद जिसने मुझ पर अविकल कृपा रखी है और जिसने मत मतांतरों के मनोमालिन्य को हल्का करने का प्रयत्न करने वाले प्रत्येक विचार का सत्कार किया है। इस समसुरता में कुछ बेसुरे स्वर भी बीच बीच में सुने गए हैं, उन्हें मेरा विशेष धन्यवाद है क्योंकि उन्होंने अपने स्वर वैचित्र से भी इस समरसता को और अधिक मधुर बना दिया है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि धार्मिक एकता के सर्व सामान्य भित्ति के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है, इस समय में इस संबंध में अपना मत आपके समक्ष नहीं रखूंगा, किंतु यदि यहाँ कोई यह आशा कर रहा है कि यह एकता किसी एक धर्म की विजय और बाकी सब धर्मों के विनाश से सिद्ध होती है तो उनसे मेरा कहना है कि भाई तुम्हारी यह आशा असंभव है। क्या मैं यह चाहता हूँ कि ईसाई लोग हिंदू हो जाएं? कदापि नहीं, ईश्वर ऐसा न करे। क्या मेरी यह इच्छा है कि हिंदू या बौद्ध लोग ईसाई हो जाएं? ईश्वर इस इच्छा से बचाए। बीज भूमि में बो दिया गया और मिट्टी वायु तथा जल उसके चारों ओर रख दिए गए तो क्या यह बीज मिट्टी हो जाता है अथवा वायु या जल बन जाता है? नहीं, वह तो वृक्ष ही होगा, वह अपनी वृद्धि के नियम से ही बढ़ता है। वायु जल और मिट्टी को अपने में पचाकर उनको उद्भिज पदार्थ में परिवर्तित करके एक वृक्ष हो जाता है। ऐसा ही धर्म के संबंध में है। ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं हो जाना चाहिए और न हिंदू अथवा बौद्ध को ईसाई ही, पर हाँ प्रत्येक को चाहिए कि वह दूसरों के सार भाग को आत्मसात करके पुष्टि लाभ करे और अपने वैशिष्ट की रक्षा करते हुए अपनी निजी वृद्धि के नियम अनुसार वृद्धि को प्राप्त हो। इस धर्म महासभा ने जगत के समक्ष यदि कुछ प्रदर्शित किया है तो वह यह है, उसने यह सिद्ध कर दिया है कि शुद्धता, पवित्रता और दयाशीलता किसी संप्रदाय विशेष की एकांतिक संपत्ति नहीं है, एवं प्रत्येक धर्म ने श्रेष्ठ एवं अतिशय उन्नत चरित्र स्त्री पुरुषों को जन्म दिया है। अब इन प्रत्यक्ष प्रमाणों के बावजूद भी यदि कोई ऐसा स्वप्न देखे कि अन्यान्य सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे और केवल उसका धर्म ही जीवित रहेगा तो उस पर मैं अपने हृदय के अंतस्थल से दया करता हूँ और उसे स्पष्ट बतला देता हूँ कि शीघ्र ही सारे प्रतिरोधों के बावजूद प्रत्येक धर्म की पताका पर लिखा रहेगा, सहायता करो, लड़ो मत,
पर भाव ग्रहण न कि पर भाव विनाश, समन्वय और शांति न कि मतभेद और कलह। स्वामी विवेकानंद का यह व्याख्यान आज के समय में और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है जब धर्मों की कलह से पूरी मानव जाति पीड़ित है, अनेक प्रकार के दुखों से घिरी हुई है। वैज्ञानिक प्रगति करने के बाद भी यदि मनुष्य जाति इतना दुख और इतनी पीड़ा को भोगे तो इसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं हम में ही सारे दोष छिपे हुए हैं। उन दोषों को दूर करने की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। विवेकानंद जी ने सभी धर्मों के सार भाग को ग्रहण करने की बात कही है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि दुनिया के सारे धर्म किसी न किसी भौगोलिक परिस्थिति के विशेष वशीभूत होकर के ही निकले हैं, जबकि हम यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पर खूब सारी नदियाँ हैं। सुबह दोपहर शाम स्नान करने का चलन यहाँ के ऋषियों ने बनाया है, विधान बनाया है। यहाँ सूर्य जो है पूजा का प्रतीक माना जाता है, उसको देवता माना गया है कि सूर्य सुबह 7 घोड़े के साथ में निकलता है और शाम को अस्त होता है, तो सूर्य देवता की पूजा अपने देश में की जाती है। तो यह बात हमें समझ में रखनी चाहिए कि प्रत्येक धर्म ने उन्नत स्त्री पुरुष चरित्रों को जन्म दिया है, यह किसी धर्म विशेष की एकांतिक संपत्ति नहीं है। सार भाग को ग्रहण करने से मतलब यही है कि अनेक धर्मों में अनेक प्रकार की बातें कही गई हैं, समय के साथ उनके जितनी ही व्याख्याएं करते जाएंगे उतना ज़्यादा परिशुद्ध धर्म हमारे आत्म में आता जाएगा और धर्म का जो भीतरी तत्व है अध्यात्म, उस तक हम गहराई से पहुँचेंगे तब हमें ध्यान में आएगा कि दुनिया के सारे धर्म या दुनिया की सारी आध्यात्मिक बातें एक ही समान हैं और वह एक ही तत्व की ओर इंगित करती हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला जो नियंता है, जो परमपिता परमेश्वर है, वह कोई अलग नहीं है। जब हम इस बात को कहते हैं कि भगवान एक हैं कहते हैं, यदि हम बहुवचन लगाते हैं तो हम अपने आप में अनेक ईश्वर को मानने लगते हैं, जबकि ईश्वर के साथ में कभी भी बहुवचन का इस्तेमाल नहीं होता। उसके साथ में तो शब्द लगाया जाता है कि ईश्वर है, उस पर विश्वास रखना ही मनुष्य होना के समान है, जिसके निर्देशन में यह पूरी सृष्टि वशीभूत होकर के चल रही है। उसमें कहीं पर भी लेश मात्र भी जरा भी गलती होने की संभावना नहीं है। यदि वैसा विश्वास रखकर चलते हैं तो हम सारे धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करेंगे और जो आपस में मतभेद है, जो आपस में कलह है, उससे हम मुक्ति पा सकेंगे। जिस प्रकार से हम रोज़ रोज़ एक ही प्रकार का खाना खाकर ऊब जाते हैं, उसी प्रकार से एक ही धर्म के लोग आपस में लड़ते हुए पाए जाते हैं। भारत देश को यह गौरव हासिल है कि यहाँ अनेकानेक धर्म, अनेकानेक जातियाँ, अनेकानेक प्रकार का रहन सहन, पहनावा, परिवेश, खान पान रहते हुए भी सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। यह इस भारत देश की बहुत बड़ी विशेषता है। स्वामी विवेकानंद ने यह दुनिया को यह संदेश उस जमाने में दिया जब भारत पूरी तरह से गुलाम था, अंग्रेजों के अत्याचारों से पीड़ित था, जहाँ ज्ञान का प्रकाश लेश मात्र भी नहीं था। तब स्वामी विवेकानंद ने भारत के गौरवमय इतिहास को, प्राचीन परंपरा को सुदूर अमेरिका जैसे देश में जाकर के सुनाया और वहाँ के लोगों को यह विश्वास दिलाया कि हम दुनिया की सबसे प्राचीनतम परंपरा का गौरव हासिल करने की पात्रता रखते हैं। जहाँ उन्होंने कहा कि सन्यासियों की सबसे प्राचीनतम परंपरा की ओर से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, इसका मतलब ही यह है कि जो हिंदू धर्म है उसमें 4 आश्रमों की स्थापना की बात कही जाती है कि ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है, जिसमें सब कुछ छोड़ करके केवल मनुष्य जाति के उद्धार के लिए ही जिसमें काम किए जाते हैं। ऐसे संन्यास आश्रम में जो सन्यासी है वह ऋषि तुल्य भी होता है और वैज्ञानिक का भी काम करता है। जो जंगलों में बैठ करके समाज किस ढंग से संचालित हो सकता है, इसकी योजना वह बनाता है। स्वामी विवेकानंद ने पराधीन भारतीय समाज को स्वार्थ, आलस और कायरता की नींद से झकझोर कर जगाया और कहा कि मैं 1000 बार नरक में जाने को तैयार हूँ, यदि इससे अपने देशवासियों का जीवन स्तर थोड़ा सा भी उठा सकूं तो मैं इस नरक को सहर्ष स्वीकार करूंगा। स्वामी विवेकानंद का यह घोष वाक्य आज भी करोड़ों युवाओं को प्रेरणा दे रहा है, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए।
स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में थे तब वहाँ उनसे मिलने के लिए कई लोग आया करते थे। वहाँ के लोगों पर उनके व्याख्यान का बहुत ज़बरदस्त असर हुआ। एक अमेरिकी प्रोफेसर ने उनके चरणों में प्रणाम कर कहा, स्वामी जी आप मुझे हिंदू धर्म में दीक्षित करने की कृपा करें। इस पर स्वामी जी बोले, मैं यहाँ धर्म का प्रचार करने के लिए आया हूँ, न कि धर्म परिवर्तन के लिए। मैं धर्म प्रचारकों को यही संदेश देने आया हूँ कि वे धर्म परिवर्तन के अभियान को बंद कर प्रत्येक धर्म के लोगों को बेहतर इंसान बनाने का प्रयास करें। यही धर्म की सार्थकता है, यही सब धर्मों का मकसद भी है। तुम अपना धर्म पालन करते हुए अच्छे ईसाई बनो। हाल ही में भारत के संस्कृति मंत्रालय ने शिकागो में स्वामी विवेकानंद पीठ की स्थापना की है। इसके लिए भारत सरकार ने शिकागो विश्वविद्यालय को 15 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि दी है, जहां पर रह करके विवेकानंद जी के विचारों का अध्ययन, उन पर शोध और उनके अनुसार काम करने वाले विद्वानों के व्याख्यान वहाँ आयोजित करने की योजना की गई है। अपने भारत देश में स्वामी विवेकानंद ने जब प्रारंभिक अपने यौवन काल में कन्याकुमारी में समुद्र तैर करके जहाँ तक यात्रा की थी, वहाँ एक विशाल स्मारक बनाया गया है। वह भी एक व्यक्ति का प्रयास है। श्री एकनाथ राणा जी को लगा कि स्वामी विवेकानंद की स्मृति में स्मारक बनाया जाना चाहिए। जिस चट्टान पर बैठ करके स्वामी विवेकानंद ने साधना की थी, वह स्थान बहुत तपस्यापूर्ण है। वहाँ जा करके हम अपनी युवाओं को एक प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित करें। तो एकनाथ राणा जी ने पूरे देश में घूम करके एक एक रुपया सभी से इकट्ठा किया। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी उनको पूर्ण सहयोग दिया। और हम पाते हैं कि कन्याकुमारी में विवेकानंद राक मेमोरियल स्थल न केवल अपने देश का बल्कि पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र बना है, जहाँ पर आकर के देशी विदेशी सैलानी कई प्रकार की प्रेरणा ग्रहण करके जाते हैं। विवेकानंद ने पूरे भारत देश की कई बार पदयात्रा की। उन्होंने इस देश की पीड़ित जनता को, निरक्षर जनता को बहुत निकट से देखा और उन्होंने इस बात को माना कि मैं तब तक मुक्ति की कामना नहीं कर सकता जब तक कि इस देश से दरिद्रता को मिटा नहीं देता। उन्होंने माना कि दरिद्र नारायण की सेवा करने से बढ़ करके और कोई धर्म नहीं हो सकता है। इसी भावना से प्रेरित होकर के स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। वहाँ जाकर के उन्होंने एक कंपनी के साथ अनुबंध भी किया कि जो उनके व्याख्यान आयोजित करे, बदले में कंपनी उन्हें पैसा देती थी और पैसा उन्होंने भारत भेजने का तय किया था। लेकिन किन्हीं कारणों से वह अनुबंध बीच में तोड़ना पड़ा। विवेकानंद जी को लगा कि कंपनी उनका दुरुपयोग कर रही है। तब उन्होंने इस विचार को त्याग करके शिकागो से मैसूर के राजा को पत्र लिखा, जो काफ़ी प्रसिद्ध रहा और जिसमें उन्होंने अमेरिका की जो रचना प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने ये वाक्य लिखा है कि अमेरिकी जनता को और ज़्यादा आध्यात्मिक होने की ज़रूरत है और भारत को और ज़्यादा भौतिक समृद्धि हासिल करने की ज़रूरत है, तो वह गलत नहीं थे। क्योंकि उनका मानना था सारे पापों की जड़ गरीबी ही है। यदि मनुष्य को गरीबी से निकाल लिया जाए और यदि उसको समृद्धि की राह पर ले आया जाए, तो पाप समाप्त करने में लेश मात्र भी देर नहीं होगी। स्वामी विवेकानंद ने श्रीमद् भगवद गीता की अनेकानेक प्रकार से व्याख्या की और जिसमें उनका कर्मवाद का सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध रहा है। आज भी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। 39 वर्ष की अवस्था में उनका देवलोक गमन और उस दौरान उनका लिखा हुआ साहित्य में जो ऊर्जा पाता है युवा, आज भी युवा विवेकानंद साहित्य को बड़े चाव से पढ़ता और उनकी बातें करता हुआ देखा जा सकता है। उसके प्रेरणा स्रोत के रूप में युवा हमेशा उन्हें अपने सामने रखना चाहता है। इसी कारण से 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। जिस दिन अनेक युवा रक्तदान करके दूसरे का जीवन बचाने का संकल्प लेते हैं, पीड़ित और दरिद्र मानव सेवा करके अपने को धन्य महसूस करते हैं, ऐसे स्वामी विवेकानंद आज भी भारत देश के उन करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं जो मनुष्य जाति के उद्धार का सपना संजोए इस धरती पर विचरण कर रहे हैं।